अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा दिन कुछ मन नहीं हो रहा था शूट करने का, तो कभी कभी होता है। और घिसा पिटा ब्लॉग दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे और वैसे भी जो 2-4 लोग देख रहे हैं वो भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कुछ अच्छा लगता है, कुछ नया, तभी हम शूट करते हैं। तो आज एक अमेजन से पार्सल आया जो कि आपके साथ अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है। तो शहर में रहने के बाद हम लोग गांव को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, गांव का जो लाइफस्टाइल है और सारा कुछ यहां पे रख नहीं सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक सामान है जो कि आपको दिखाना है जो कि मेरा फरमाइश नहीं था, इनका फरमाइश था, क्योंकि इनको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कुछ देसी जो है वो वाइब्स आए खाने में। तो दिखाते हैं कि क्या है, बहुत भारी भरकम चीज़ है, कैसा आया है ये तो पता नहीं, अभी दिखाते हैं अनबॉक्स करके आपके साथ। ये सामान देख सकते हैं, अनबॉक्स करने के लिए ये भी पहले से बैठा हुआ है, तो इसको अभी ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको। तब तक आप लोग गेस कीजिए कि इसमें क्या है, तब तक हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हिफाजत से इसको भेजा गया है और इसमें पूरा खरपतवार रख के ताकि कुछ भी टूटे ना। और ये बबल रैप से जो है टूट सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ है। देख सकते हैं फाइनली बाहर आ गया, तो ये टूटने वाला है अदरक लहसुन, और इसमें आप ज़्यादा कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। और इनका बहुत मन था, ये बहुत टाइम से मन हो रहा था इनका लेने का, और बाहर में भी ढूंढे बट मिला नहीं। ये पत्थर का है और देख सकते हैं ये बेबी इसको कोशिश कर रहा है, इसे उठ नहीं रहा है बट फिर भी उठाने में लगा है और अपना ताकत दिखा रहा है यहाँ पर। तो इनको बहुत इंटरेस्ट था इसको लेने में क्योंकि बहुत टाइम से नॉनवेज नहीं बना है घर में, 7-8 महीने से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हम भी यहाँ पे नहीं थे और आने के बाद सारा पूजा पाठ चल रहा था इस वजह से। और उसके साथ ये मीशो से हम लिए हैं एक कटलरी रखने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टीन का है और बहुत अच्छा है जिसमें आप सारा स्पैचुला स्पून सारा कुछ एक साथ रख सकते हैं, तो ये आपके किचन का भी लुक जो है चेंज कर देगा। तो बहुत अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है इसका, तो देख सकते हैं देखने में भी बहुत अच्छा है। और आपका सारा चम्मच या फिर जो भी है इसमें देख सकते हैं हम सब कुछ डाल दिया है और इस तरह से ये अच्छा लग रहा है देख के। और अब आया नेक्स्ट डे, जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया है, तो पहले सोचे थे कि दवा से ठीक हो जाएगा, तो घर में ही दवाई दे रहे थे बट इसे फर्क नहीं पड़ रहा है, तबीयत बिगड़ ही रहा है इसका, उसे तो एक बार डॉक्टर से दिखा लेना ज़रूरी है। तो अभी 8 बज चुका है, निकल रहे हैं हम लोग, अभी देखते हैं डॉक्टर से लेके क्या होता है। तो हम लोग पहले नीचे आ चुके थे और ये घर को लॉक कर रहे थे, तो यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं और रात के बज रहे हैं 8 और इस टाइम में निकल रहे हैं लेट से ही क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी था। और इसके बाद पहले तो इसको क्लिनिक पे लेके जाएंगे और इसका चेकअप होगा और उसके बाद फिर सोच रहे जब निकलेंगे बाहर तो क्यों ना दिवाली के लिए जो भी सामान चाहिए वो भी ले लें, क्योंकि इनका ड्यूटी का शिफ्ट भी चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सामान लेने में, टाइम ही नहीं मिलता।
और बेबी को सुन सकते हैं छींक, ये अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ है इसलिए ये छींक रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है जिसमें अगर बीमार हुआ है तो ये जल्दी ठीक भी नहीं होता है। इस टाइम में यही सीज़न चल रहा है तो सब लोग बच के रहें, ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पटाखे और कैंडल्स क्या कैसे दुकान सजा है। तो बस यही हम लोग पहुँच चुके हैं क्लिनिक, ये आगे ही है। और इस तरह से सुंदर सुंदर कैंडल्स जो है ये दुकान पे सजा हुआ है। और क्लिनिक पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश होने के अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे एक सब रिसेप्शनिस्ट है और हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। और डॉक्टर से यहाँ पे इसको नेबुलाइजर देने के लिए बोला गया और ये पहले से ही रोने के लिए तैयार है, यहाँ पे तैयारी कर रही है ये। और ये रहा क्लिनिक, ये पास में है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो हम लोगों का हो गया काम, यहाँ पे हो गया, ये भी तो नहीं रहा था तो उसके लिए कुछ ऐसा डॉक्टर हो गया और ये दवा ले रहा है। और उसके बाद कैसे बनाए वो आपके साथ लास्ट में शेयर किया, जो लोग नहीं देखे उसको देखेंगे। और यहाँ दिया लेने के बाद हम लोग बढ़ रहे आगे और भी सामान लेना था, और कमल का फूल, उजला कमल भी इधर उसके पास उजला कमल था, आगे जा रहा है एक ले लिया। हो गया मार्केट जो किस तरह से सजा हुआ है देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। कैंडल्स का तो फूल क्या सजा है, दुकान जो है इस तरह से सजा है, लटकन तोरण लगा है पूरे मार्केट में दिवाली का। और रंगोली का भी यहाँ पे कलर जो है वो मिलता है अलग अलग। वैसे तो यहाँ पे सब लोग पूरे साल रंगोली बनाते हैं अपने घर के आगे, बट दिवाली में पूरा कलर जो है अच्छे से लटका वाला काम घूम रहा है हर जगह पे। और यहाँ पे पटाखा दिख रहा है होलसेल रेट में। बस यही था और हम लोगों को कुछ प्लेन दिया उधर जाएगा तो आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेन दिया लेने के लिए पकड़िए, पूरी तरह तरह का डिजाइन दिया है। और यहाँ पे ये हर्षा का शॉप है, बट हर्षा आज नहीं है यहाँ पे, शायद किसी काम से बन बिजी है। और देख सकते हैं लक्ष्मी जी का मूर्ति बहुत ज़्यादा मिलता है और गणेश जी का भी मिलता है, बट सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी का ही मूर्ति आपको दिखेगा पूरे मार्केट में। और ये पूरा अबीर है वाइट, क्योंकि वाइट ज़्यादा यूज़ करता है यहाँ पे लोग, रंगोली। तो बस यही था हम लोग सामान लेने।